ये जो सेकंड हाफ का मैच है, राजस्थान यहाँ कुछ अलग रणनीति बनाकर दोनों टीम मैदान पर उतरी है सेकंड हाफ का मैच को खेलने के लिए। और जो डार्क स्पीड, ये वाकई में बहुत ही काफी स्पीड है, क्षेत्रीय लड़का होने के नाते, लोकल बॉयज होने के नाते, और इस ग्राउंड को खिलाड़ी काफी भली भांति जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो शायद ये सेकंड हाफ में जरूर अपना दिखाएगा, और हमें उम्मीद है शायद अगेन दुर्भाग्य यहाँ पर फर्स्ट हाफ में जितना अच्छा परफॉर्म रहा डार्क स्पीड का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया है। तो पराजित किया है तो वो सर्वाधिक मुझे लगता है उस मुकाबले में, यानी आज की दिन का तीसरा मैच जो रहा उसमें सर्वाधिक गोल लगे थे इस मुकाबले में, 5 गोल। और यही ऐसा खेल है जिसमें फर्स्ट हाफ में एक भी गोल नहीं आया, और यहाँ से दोनों का प्रयास रखना चाहिए। कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में हम दोनों टीमों के लोकल बॉयज है, और एक तरफ कहीं ना कहीं एक दूर की टीम और उसमें भी विदेशी मूल के खिलाड़ी है, लेकिन ये 16 नंबर की खिलाड़ी चल रहा है, काफी लोगों को प्रभावित किया अपना खेल से। और क्यों ना हो, ये फर्स्ट खेल में ये अपने और से एक महत्वपूर्ण गोल दागा था, उसी के कारण उसी के बदौलत भी यहाँ पर क्वार्टर का मैच खेलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ 7 नंबर के ऊपर भी काफी नजर रहेगा राजेंद्र, ये खिलाड़ी भी काफी प्रभावित हुए हैं। ये बिल्कुल क्रॉस है यहाँ पर मिशन दर्शन में, और जो भी ने और चाहिए भी इस श्रृंखला में बने रहने के लिए नॉकआउट का सिस्टम है, तो प्रत्येक मैच आपको जीतना होगा फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, फाइनल तक पहुंचने के लिए। डिफेंस लाइन के खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन अपना डिफेंसिव ड्यूटी किया है, इस वजह से अभी तक देखें तो उतना ज्यादा खुल करके शॉट लेने का कोई मौका नहीं मिला है हैदराबाद के स्ट्राइकर को। और बिल्कुल सही बात है, ये फर्स्ट हाफ के मैच में हमने देखा था कि जिस प्रकार के इस टीम में खिलाड़ी को सिलेक्शन किया गया उस प्रकार का खेल हो नहीं पाया है, और कहा जाए तो ये लोकल बॉयज के नाते ये डार्क स्पीड के साहेबगंज के खिलाड़ी जितना अपेक्षा था इन पर उन पर कहीं ना कहीं ज्यादा खरा उतरते हुए नजर आए। और आशा है कि ये कहा जाता है कि ये खिलाड़ी माड़ भाग खाकर खेलने को परिश्रम करने को तैयार होते हैं, तो वाकई में इनका जो परिश्रम है परिश्रम का फल जरूर मिलना चाहिए। तो ये भी सही बात है ना राजेंद्र की, हर परिश्रम करता तो फल नहीं मिलता, लेकिन जिसको भी सफलता मिलती है उनके पीछे कहीं ना कहीं परिश्रम ही होता है। बिल्कुल, और ये खिलाड़ियों ने मुझे लगता है अपना खेल को बहुत ही मेहनत किया होगा, वो कहते हैं यो ही नहीं मिलती जिंदगी में खुशी रोशन होने, बीज बनना पड़ता है और बीज को उस जमीन में दफन होना पड़ता है, फिर जाकर कहीं ना कहीं अभी पौधे के रूप में जन्म लेते हैं, और फिर एक बड़े पेड़ की तरह एक बड़ी फ्लार की तरह आप प्रस्तुति होते हैं। कहीं ना कहीं उन चीज को यहाँ पर उन लोग उठा सकते, फिर धीरे धीरे आप पूरे लोगों के दिल में बसने का छाने का एक प्रयास है। यहाँ ये मुझे टीम मैनेजमेंट को पूरी उम्मीद है से यही गोल स्कोर करेंगे, अब बहुत ही बेहतर खेलते हैं जर्सी नंबर 9 में। और ये पहला अटैक और चाउट यहाँ पर शानदार रहा इस बार ठाकुर मुर्मू का, बेहतरीन कीपिंग शॉट था यहाँ पर डेविड का, दर्शनीय शॉट और टारगेट में मुझे लगता है कीपर से थोड़ा सा दूर होगा या सेकंड पोस्ट के बॉटम कॉर्नर में, तो मुझे लगता है यहाँ मुश्किल हो सकता था टारगेट स्पीड के लिए, लेकिन बेहतरीन कीपिंग यहाँ पर ठाकुर मुर्मू का। क्रॉस आया इस बार हेडर लगाने का प्रयास, फर्स्ट टाइम शॉट लेकिन टारगेट में नहीं, और काफी लेट लिखा हुआ है दर्शक दीर्खा भी अपने टीम के लिए भी अभी बेहतर कर पाएंगे इस हमें मुझे लगता है, जिस तरह से क्रॉस आया लेकिन अच्छा अटैम्प्ट लेकिन टारगेट में नहीं रख पाया इस बार चेहरी। और बिल्कुल राजेंद्र, जिस प्रकार से खेल दिखाए यहाँ पर, जिस प्रकार से प्रस्तुति दिखाए अपना हुनर दिखाए, तो कहीं ना कहीं ज्यादा उत्साहित थे और उस चीज को दर्शाना चाह रहे थे लोगों के बीच के, देखिए हमने अच्छा प्रस्तुति किया, हमने अच्छा गोल किया, यहाँ इस चीज को हम दर्शा रहे हैं अपने जर्सी को खोल कर, वो भी 7 नंबर लकी जर्सी दिया होगा, तो मुझे लगता है वो सबसे बेहतर खेलते हैं, 7 और 10 उन्हीं को दिया जाता है। और अपना नहीं जान लीजिए कि उस खिलाड़ी में कुछ खासियत है, 7 नंबर की जर्सी मिलती है तैयार किया है, इसी तरह वहाँ उनको 7 नंबर और 10 नंबर की जर्सी प्रोवाइड किया जाता है। और बाखूबी यहाँ पर ये जाहिर इस चीज को दर्शाया है इस ग्राउंड पर कि हमने 7 नंबर और उसने उस चीज को यहाँ पर दिखा दी, लेकिन कहा जाए तो हमारे लोकल बॉयज में ये चल रहा है भी बहुत ही सुंदर दिखाया है। ये बिल्कुल क्या खेला है चंद्राय ने, लाजवाब किया सिर्फ चंद्राय ने, उनके हर खिलाड़ियों ने अच्छा किया है, हर लाइन के खिलाड़ी ने, डिफेंस सभी खिलाड़ियों का योगदान बहुत ही अहम रहा है डार्क स्पीड टीम के लिए, और इस हिसाब से उतना ही बेहतर कर रहे हैं यहाँ पर, टैकल अच्छा रहा और कल यहाँ पर खेलना है तो आप समझ सकते हैं कितने लोगों का कमाल है इस गेम पर, बीएसके कॉलेज का टीम है कि नहीं, बीएसके कॉलेज का खिलाड़ी आ रहा है कि नहीं, इस चीज का काफी चर्चा चल रही है। और उसका भी कल ओपनिंग कल फर्स्ट मैच होना है, तो आप दर्शकों का जमावड़ा देखिएगा राजेंद्र, ये बिल्कुल होना चाहिए। और इंतजार था ऑडियंस को, और
डीएससी का मैच आप मिस ना करें। और यहाँ पर बेहतरीन बॉल चतरा का बेहतरीन पास आता हुआ, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाई। डीएससी कॉलेज बरहरवा का मैच को मिस ना करें, कल 7 बजे आ जाएंगे और उसका फिर है कल एफसी तरुण संघा न्यू टाउन के साथ होगा। और यहाँ पर ये सेल्फिश मिला हुआ है और प्रतीक, ये पीला कार्ड जो है ये कुछ मिलने का प्रतीक नहीं है, ये वार्निंग का प्रतीक है। और यहाँ पर लेबर तरफ से किया गया है और रेफरी के ऊपर कोई दबाव नहीं डालिए और ऐसा आपस बोलिए कि ये सब खिलाड़ी लैंग्वेज नहीं जानते हैं। हिंदी के साथ साथ ये बंगला का बंगला भाषा के काफी नॉलेज है इन सभी खिलाड़ियों को, कलकत्ता में रहते हैं और बंगला का काफी समझदार है, इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है ये कमेंट्री को भले भाई समझ रहे होंगे। और राजेंद्र यहाँ से बहुत अच्छा सेट की स्पीड दिया है, यहाँ पर डार्क स्पीड से साहेब के टीम को एक अच्छा सा मौका है, एक अच्छा सा चांस है, अगर यहाँ पे गोल आती है तो वहाँ पे भी एक जान आ जाएगी। बिल्कुल, और विकल्प है दोनों टीम के पास क्योंकि अच्छा विकल्प है और यहाँ अगर गोल हो गया स्वस्थ आने के टारगेट बने। ये क्योंकि आप अगर गोल की बात करें तो मैदानी गोल का जो ज्यादा फसला नहीं रहा है पहला मैच में स्कोर लाइन में, एफसी डार्क स्प्रिट साहेब ने 1-0 से एफसी पुणे सिटी को पराजित किया था। वही अगर गोल से देखें तो लखनऊ हैदराबाद ने एफसी मुंबई टाइगर को 3-1 फर्स्ट राउंड के खेल में लखनऊ हैदराबाद को, लेकिन तो मुझे लगता है दूसरे हाफ में उनकी खिलाड़ी फर्स्ट हाफ की तुलना में उतना बेहतर नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है कि प्रकार वो फर्स्ट हाफ मैच को खेला था उस तरह सेकेंड हाफ के मैच को खेलते हुए नहीं दिखा है, लेकिन एक बात तो साफ जाहिर होता है राजेंद्र, खिलाड़ी ऐसा लग रहा है कि ये सारे खिलाड़ी किसी न किसी अकेडमी से चलकर आए यहाँ पर, क्योंकि सारे खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन तालमेल पास एक्यूरेसी बहुत ही सुंदर है। और देखिए यहाँ और खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट नहीं है, ये कमी लेगा आगे से आप लोग शांत मुद्रा में खेले, शोर शराबा नहीं करना है। मेडिकल टीम तैयार रहेंगे क्योंकि इनका ये सेकेंड और सेकेंड हाफ का मैच चलाई बन पा रहा तो कहा यहाँ पर जो खिलाड़ी इंजर हुए थे उसके बाद वो बेहतर हो गया, वापस आ गए हैं। उड़ाया जाएगा बहुत बेहतरीन, सही बात आप बोल रहे हैं कि इसके लिए इतना जबरदस्त किया है, किसी एकेडमी में ट्रेनिंग लेके आए हैं और बेहतर करते हुए। और कुछ ऐसा खिलाड़ी जिसको तो मैं बहुत नजदीक, खिलाड़ी का पसीना निकल जाता है खेलने, लेकिन ये खिलाड़ी दांत नहीं खिलाड़ी को देता हूँ कि इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया फिलहाल यहाँ पर, बेहतरीन किया है और चाहिए भी इस चुनौती में बने रहने के लिए ये मुकाबला जितना बेहद जरूरी है। लामा को ढूंढ के निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पर चकमा लामा वहां पर चुके, इस बार उसका अच्छा रिसीविंग नहीं था। सेकेंड हाफ में भी कोई खास अटैकिंग नहीं रहा है लखनऊ हैदराबाद का और शानदार डिफेंडिंग यहाँ पर एक तरह से देखें सेकेंड हाफ का खेल में भी डार्क स्पीड की तरफ चतरा जो कमाल करते हैं, ये खिलाड़ी को अगर आप तारीफ करेंगे तो सबको की कमी पड़ जाएगी। बेहतरीन खेल खेला है इन्होंने और चाहिए भी लाजवाब पास वहां पर करण के लिए, लेकिन बॉल जाएगी वन बाउंस गोल लाइन से बाहर। क्या जाएगा कमाल है ये डिफेंडर का, कमाल है इनके साइड डिफेंडर का जिन्होंने अभी तक उसको इस तरह का कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करने दिया यहाँ पर लखनऊ हैदराबाद की टीम। सही बात आपने कहा है, बस काल में यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाते हैं लखनऊ हैदराबाद टीम के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग और अच्छी बात रही है डिफेंस लाइन के खिलाड़ी अपने हाथ में बॉल को ज्यादा नहीं रख रहे हैं और उसका बेहतरीन क्लियरेंस उस वजह से उसके ऊपर कोई खतरा नहीं बनते हुए नजर आया, बहुत ही कम खतरा बना है। देखना है फुल टाइम विशेष तक क्या आपको लग रहा है, गोल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी राजेंद्र, लेकिन संभावना ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से अटैकिंग हो रहा है दोनों तरफ से, गोल आ जाए तो ये बेस्ट रहेगा, लेकिन अभी तक इस तरह का मिलना बराबरी है मौका बनिया मनाने तो यहाँ पर फलक नामा हैदराबाद के पास, लेकिन देखना होगा क्या होता है। गोल
कीपर को तारीफ करे तो इस बार शब्दों की कमी पड़ जाएगी। मैं आखिरी पंच आउट शानदार कीपिंग, लाजवाब कीपिंग और बेहतरीन ड्रिबलिंग। यहां पर चंद्राय का गोल आया है और बेहतरीन पास चंद्राय के लिए। चंद्राय का ये शॉट लेकिन उतना सही नहीं था, ये सटीक पास नहीं था, इसलिए नहीं तो लखीराम भी बहुत ही बेहतर खिलाड़ी है, उनको भी चांसेस मिले थे पहला खेल में, लेकिन गोल आया नहीं। देखिए यहाँ लखीराम का रोल भी काफी अहम होगा अपने संबंधित खिलाड़ी के। आप ज्यादा समय इस मुकाबले में नहीं रह गया, बहुत कम समय बच के रह गया है। और बिल्कुल अगर यहाँ से गोल आती है तो अपने टीम को ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम रह जाएगी कि वो गोल रिटेन करने का, गोल वापस करने का। और जो टीम गोल करेगी तो कहीं ना कहीं उनका ये अंतिम चक्र होगा मैच पर पकड़ बनाने का। लेकिन देखना होगा दोनों टीम काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए। राजेंद्र हेलो, थोड़ा सा यहाँ सनलाइट में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा प्लेयर को भी। लाइट टाइम पर मैच शुरू ठीक है, एक ही मैच रात्रि हो गए और बांग्लार कमेंट्री करा जान लो एक बार हमारे माइक्रोफोन आसछे। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একবার সত্যি কথা যেভাবে স্পিন করেছে এখানে ডার্ক স্পিড সাইকোজেটি তো পাকা ইনার জন্য কোনো শব্দ নেই আমার কাছে, খুবই সুন্দর ভাবে ম্যাচটাকে খেলেছে। কথা বলছি যে চলে যে ম্যাচটা খেলা যাচ্ছে কিন্তু রেকাল ইনার আসে কি এখনো দুই দিয়ে দুই দল একবারে সুন্দর সুন্দর আবার আমরা সময় সাথে और मैं दोनों मैच मैच के लिए दोनों टीम के टीम मैनेजर और टीम कैप्टन का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने खिलाड़ी को धीरे धीरे चेकआउट पर लाने का प्रयास करें, क्योंकि इसका मैच समाप्त हो गया है और यहाँ से आप देख पाएंगे आप यहाँ से